प्रयागराज के लोग कुछ दिन पहले तक बारिश के इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक हफ्ते पहले अचानक गंगा में आई बाढ़ से जहां कई इलाके डूब गए हैं, वहीं अब 48 घंटे से जिले में लगातार बारिश हो रही है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, लोगों को आने जाने रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कतें हो रही हैं। हालात ये हो गई हैं कि सड़क पर पानी ही पानी है, नालियां चौक हो गई हैं, अब घरों में बारिश का पानी घुसने लगा है, सड़कों पर लबालब पानी है। एक दिन पहले ही रामबाग पर सड़क पर बने गड्ढे में पानी जमा होने से एक ई रिक्शा पलट गया था। गनीमत रही कि अंदर बैठी सवारियों को गंभीर चोटें नहीं आई। अब लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश बंद हो और जनजीवन फिर से सामान्य हो सके। सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों को हो रही है, जो सड़क किनारे तिरपाल में दुकान या घर बनाकर रह रहे थे। बारिश की बूंदें टूट ही नहीं रही है। धरती में ठंडक पैदा होने से लोगों को ठंड की आहट भी लगने लगी है। बारिश भी ऐसी कि पूर्वी यूपी के कई जिले इसकी चपेट में हैं। सोमवार तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना जताई है। प्रशासन भी अलर्ट है, शनिवार को जिले में स्कूल बंद रहे। दोपहिया चालकों को भी काफ़ी सतर्क होकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। सड़क पर बने गड्ढों में संतुलन बिगड़ा तो चोट लगना तय है। बोर्ड लगा।